हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथ ही आपका दोस्त प्रीतम। प्यारे दोस्तों, परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी में एक दिक्कत आई हुई है मोबाइल नंबरों को लेकर, यानी फैमिली आईडी में मोबाइल नंबर से संबंधित एक बड़ी समस्या है जिसका समाधान करना जरूरी है। आपको अपनी फैमिली आईडी में अपना मोबाइल नंबर चेंज करना होगा। किसका करना होगा, ये समस्या कैसे आ रही है और आप कैसे चेंज कर सकते हैं, ये जो सभी जानकारियां हैं आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और परिवार पहचान पत्र में मोबाइल नंबर से संबंधित जो बड़ी समस्या आई हुई है उसके बारे में देते हैं आपको संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी हरियाणा का एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बन चुका है, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जरूरी डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले अब आपको फैमिली आईडी की ही आवश्यकता पड़ रही है, पड़ने वाली है और आगे के समय में और भी परिवार पहचान पत्र महत्वपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, ये जो आपकी फैमिली आईडी है वो हर दस्तावेज से जुड़ गई है। हर योजना का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपकी फैमिली आईडी बनी हुई होगी। और दोस्तों, आपकी फैमिली आईडी में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है वो सबसे इंपोर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि उस पर बार बार ओटीपी आते हैं। कोई भी आपको काम करवाना हो उस पर मैसेज आएगा, ओटीपी आएगा, उसी के माध्यम से आप अपना काम कर पाएंगे। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि फैमिली आईडी में मोबाइल नंबर यानी फोन नंबर से संबंधित क्या समस्या आई हुई है। तो दोस्तों, आपकी फैमिली आईडी में जो फोन नंबर जुड़ा हुआ है वही फोन नंबर किसी दूसरी फैमिली आईडी में भी जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों, ये समस्या कैसे आई? तो दोस्तों, जब आपने शुरुआत में अपनी फैमिली आईडी बनवाई उस समय दो फैमिली आईडियों में एक जैसा नंबर दे दिया, या फिर दोस्तों आपकी फैमिली आईडी में कोई लड़की थी, आपकी बेटी आपकी फैमिली आईडी में जुड़ी हुई थी और अब आपने उसकी शादी कर दी है और वह मैरिज सर्टिफिकेट के माध्यम से अपने पति की फैमिली आईडी में मर्ज हो गई है, ट्रांसफर हो गई है, या फिर उनकी अलग फैमिली आईडी क्रिएट उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट के माध्यम से करवा ली है। अब दोस्तों, दिक्कत क्या आई कि जो उस लड़की की डिटेल्स के अंदर मोबाइल नंबर था वो आप वाला नंबर था जो आपकी फैमिली आईडी में सभी सदस्यों की डिटेल में जुड़ा हुआ है, और वो जो नंबर है अब आपकी फैमिली आईडी के साथ साथ उस फैमिली आईडी में भी ट्रांसफर हो गया है, उस फैमिली आईडी में भी चला गया है। अब आपको क्या करना है? आपकी फैमिली आईडी में तो आपको मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना है, लेकिन आपकी जो लड़की है उसे कह देना है कि आप अपनी फैमिली आईडी में जो आपका नंबर है, आपकी डिटेल्स के अंदर जो नंबर है उसे चेंज करवा लीजिए, उस नंबर को आप बदलवा दीजिए, आप वाला नंबर हटाकर दूसरा नंबर वहां पर जुड़वा लेना है। बस आपकी फैमिली आईडी ओके हो गई और उनकी फैमिली आईडी भी ओके हो गई, वरना दोस्तों आपकी दोनों फैमिली आईडियों में दिक्कत आती रहेगी। या तो दोस्तों फैमिली आईडी से नंबर बिल्कुल हट जाएगा, या फिर कोई और समस्या परिवार पहचान पत्र के अंदर आ जाएगी। समस्या आने से पहले ही आप इस समस्या को खत्म कर दीजिए, आप अपनी फैमिली आईडी में मोबाइल नंबर अपडेट कर लीजिए। दोस्तों, मैंने आपको समस्या बता ही दी है कि फोन नंबर वाली समस्या है, या तो शुरुआत में जब फैमिली आईडी बनी आपने दो फैमिली आईडियों में एक ऐसा नंबर दे दिया, या फिर दोस्तों अब आपके परिवार से किसी लड़की की शादी हो गई है वो दूसरी फैमिली आईडी में चली गई है, या फिर दोस्तों ये दिक्कत भी आ सकती है कि आपकी फैमिली आईडी में कोई लड़का था और अब उसकी शादी हो गई है और अब उसने और उसकी पत्नी ने मैरिज सर्टिफिकेट के माध्यम से अपनी अलग फैमिली आईडी बनवा ली है, तो आपकी फैमिली आईडी में जो मोबाइल नंबर है और उस लड़के के डिटेल्स के अंदर जो मोबाइल नंबर है वो एक जैसा नंबर है, अब उस लड़के को अपना जो नंबर है वो अपडेट करवाना होगा। तो दोस्तों, जहां पर भी आपको सुविधा लगे उस फैमिली आईडी से आप मोबाइल नंबर अपडेट करवा दीजिए, मोबाइल नंबर अपडेट कर दीजिए या करवा दीजिए। मोबाइल नंबर वाली यही समस्या है और दोस्तों सबसे बड़ी फैमिली आईडी के अंदर ये दिक्कत है, आपको नंबर अपडेट करवाना जरूरी है। और दोस्तों, इसके साथ साथ सीपीएलओ और एलसी को जेड क्रीम के माध्यम से लिस्ट भी भेजी गई है कि आपके गांव में इन इन फैमिली आईडियों में डुप्लीकेट मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, यानी दो फैमिली आईडियों में एक जैसा नंबर एड है, इस नंबर को आपको चेंज करवाना होगा। तो सीपीएलओ और एलसी के माध्यम
से उस फैमिली को कॉल की जा रही है और बताया जा रहा है कि आपकी फैमिली आईडी में ये दिक्कत आई हुई है मोबाइल नंबर से संबंधित और आप इसका इस प्रकार समाधान कर लीजिए या करवा लीजिए। तो दोस्तों इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक कर लीजिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि हम अगर घर बैठे करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो चलिए सीख लेते हैं कि आप अपनी फैमिली आईडी में घर बैठे मोबाइल नंबर चेंज कैसे कर सकते हैं। सभी सदस्यों का आपको अपडेट करना है, इस प्रकार आपका अपडेट हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम या किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसके सर्च बार में यहां पर आपको लिखना है फैमिली आईडी हरियाणा, आपको फैमिली आईडी हरियाणा लिख देना है और इसे सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके सामने जो पहली ही वेबसाइट आ रही है मेरा परिवार डॉट हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन, इसी वेबसाइट के लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने परिवार पहचान पत्र की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको थ्री डॉट पर जाना है और इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है ताकि जो विंडो है वो आपको कंप्यूटर और लैपटॉप जैसी दिखने लगे और आपको इसे यूज करने में आसानी हो। अब दोस्तों आपको सिटीजन कॉर्नर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहां पर आपके सामने अपडेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ गया है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों आपकी सुविधा के लिए इस पेज का डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, जिस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे इस पेज पर आ जाएंगे। अब आप फैमिली आईडी के अंदर से जिस भी मेंबर का मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं उस मेंबर का आधार नंबर यहां पर आपको फिल कर देना है, यानी आधार कार्ड का जो नंबर होता है वो यहां पर आपको लिखना है पूरा, जो 12 अक्षरों का नंबर होता है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना जो नया नंबर अब आप फैमिली आईडी में जोड़ना चाहते हैं उस नंबर को यहां पर आपको लिख देना है और वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जिस भी मेंबर का आधार नंबर वहां पर आपने फिल किया है, यानी जिसका भी आप मोबाइल नंबर अपडेट कर रहे हैं उसके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया है 6 नंबर का, वो ओटीपी यहां पर आपको फिल करना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपकी आधार डिटेल तो वेरीफाई हो चुकी है, लेकिन अब जो आप मोबाइल नंबर जोड़ना चाहते हैं उस पर भी एक ओटीपी आपको भेजना है। इसके लिए दोस्तों आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर दोस्तों आपको ओके पर क्लिक करना है। अब दोस्तों जो आप नया मोबाइल नंबर जोड़ना चाहते हैं उस पर भी 6 अक्षरों का ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी लेकर आपको यहां पर फिल करना है, यानी यहां पर लिख देना है और आपको वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का एक मैसेज आ जाएगा, मोबाइल नंबर अपडेटेड सक्सेसफुली। अब दोस्तों आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जिस भी मेंबर का आपने यहां पर मोबाइल नंबर अपडेट किया है उसका मोबाइल नंबर उसकी डिटेल्स के अंदर अपडेट तुरंत की तुरंत हो गया है। अब दोस्तों सभी मेंबर का अगर आप अपडेट करना चाहते हैं जो भी आपकी फैमिली आईडी में जुड़े हुए हैं उन सभी का आप इसी तरीके से अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों सभी का बारी बारी से आपको आधार नंबर यहां पर फिल करना है, जो मोबाइल नंबर आप जोड़ रहे हैं वो मोबाइल नंबर यहां पर आपको फिल करना है, वैलिडेट पर क्लिक करना है, ओटीपी आधार वाला लेना है, फिर आपको मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजना है, वो आपको वेरीफाई करना है। दोस्तों यही प्रक्रिया आपको सभी मेंबर के साथ दोहरानी है। जितने भी मेंबर आपकी फैमिली आईडी में जुड़े हुए हैं, जितने भी सदस्य हैं, उन सभी का आपको बारी बारी से मोबाइल नंबर अपडेट कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप मोबाइल नंबर वाला ओटीपी फिल करके वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तुरंत की तुरंत आपका जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट आपकी फैमिली आईडी में हो जाता है। फिर आप अपनी फैमिली आईडी को लॉगिन कर सकते हैं और जो भी फॉर्म आप भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। आपकी फैमिली आईडी के साथ जो नया मोबाइल नंबर आप जोड़ना चाहते थे वो जुड़ गया है। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपना मोबाइल नंबर फैमिली आईडी के साथ लिंक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी आपको देनी थी, इसी समस्या के बारे में आपको बताना था। और दोस्तों इस समस्या को नजरअंदाज मत करना, इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान कर लीजिए वरना आपको बड़ी समस्या का सामना करना
पड़ सकता है। और अब फिलहाल आप इसे चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि आपको किस प्रकार करना है। मैंने प्रोसेस आपको बता दी है कितनी सरल है। केवल आपको दो ओटीपी ही फिल करने हैं, अपना आधार नंबर फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है। दोनों पर ओटीपी आएगा, एक आधार वाला एक मोबाइल नंबर वाला, और आपका नंबर अपडेट हो जाएगा। चुटकियों में अपडेट कर सकते हैं। फिर किस बात का इंतजार है, अभी कर लीजिए, तुरंत कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, हर वीडियो को आप देख पाए, कोई भी नई और अच्छी जानकारी आपसे मिस न हो। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।